बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप मैसेजेस मुझे मिले और उसमें उन्होंने वो लोग कंफ्यूज हैं कि डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या एक ही चीज़ है, ये एक चीज़ है भी और एक चीज़ नहीं भी है। तो जवाब ये है कि डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक चीज़ है भी और नहीं भी है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो आज का ये छोटा सा सेशन मैं बना रहा हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में एक्चुअली फ़र्क क्या है। देखिए, अभी मैं ये अजम्पशन लूँगा कि डिजिटल सिग्नेचर आप जानते हैं, वैसे मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर भी बना रहा हूँ डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। तो वो उसका लिंक भी अभी जल्दी ही इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर। आप 2 से 3 दिन के बाद इसी लेक्चर की आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो उसमें आपको डिजिटल सिग्नेचर का वीडियो भी मिल जाएगा। तब तक डिजिटल सिग्नेचर क्या है? एक सिस्टम है, यानी एक सिस्टम के थ्रू आप डिजिटल सिग्नेचर हासिल करते हैं। क्या जरूरत है डिजिटल सिग्नेचर की? क्योंकि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है उसने ई कॉमर्स को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि आप कोई डॉक्यूमेंट किसी अथॉरिटी को फाइल करना चाहते हैं तो आप उसे डिजिटली साइन कर सकते हैं। देखिए, आईटी एक्ट का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा अगर हमें डिजिटल सिग्नेचर का सिस्टम हमारे पास होगा नहीं। तो आप सोच के देखना, अगर आप आईटी एक्ट पढ़ रहे हो तो आप सोच के देखना, अगर हमें वापस से वही प्रिंट आउट निकाल के मैनुअली उसे साइन करना पड़े तो आईटी एक्ट का, इस सारी इंफॉर्मेशन का, इस सारी स्पीड का, है ना, सारी इसे स्पीड मायने नहीं रखेगी। फिर वापस से वही प्रिंट आउट चाहिएंगे, वापस दोबारा से फिर वो फाइल्स बनेंगी, तो फिर फायदा क्या हुआ? हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा को मेंटेन भी कर सकते हैं, फाइल भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी चेंजेस बदलाए गए और इंडियन एविडेंस एक्ट ने भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को एविडेंस मान, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया एज सच। तो इंडियन एविडेंस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सेप्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स मतलब समथिंग इन राइटिंग। अब उसने आईटी एक्ट आने के बाद भी खुद में बदलाव किए और उसमें भी जो डिजिटल डिजिटल जो डॉक्यूमेंट है उसको भी एविडेंस वो मान लेता है, और बैंकर्स बुक एविडेंस में भी अमेंडमेंट हुए वो भी उसे एविडेंस मान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि डिजिटल सिग्नेचर है क्या? ये एक सिस्टम है। एक्चुअली 3 चीजें समझनी होती है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, 2 चीजें इसमें हैं और एक हैश फंक्शन है। हैश फंक्शन से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को इंक्रिप्ट कर सकते हो। इंक्रिप्ट करने का मतलब ये होता है कि आप उस डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं कर सकते। और 2 कोड होते हैं जिसको प्राइवेट की और पब्लिक की कहते हैं। प्राइवेट की से आप सिग्नेचर करते हैं और पब्लिक की आप दूसरी पार्टी को देते हैं जो ये वेरीफाई करना चाहता है कि आपने जो सिग्नेचर किए हैं वो आप ही के हैं। ठीक है, तो पहले हैश फंक्शन से हम डॉक्यूमेंट को इंक्रिप्ट कर लेंगे ताकि कोई उसमें चेंज करके फ्रॉड ना कर पाए। फिर प्राइवेट की से अपना डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स कर देंगे और फिर जिस पर्सन को वो हम डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो अपनी वो हमारी पब्लिक, हमारे द्वारा दी गई पब्लिक की से उस डॉक्यूमेंट को चेक कर लेगा कि वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। तो ये है डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट। ठीक है, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से आपको एक एक चीज समझाऊंगा, आई प्रोमिस यू। बट उससे पहले ये जो डाउट है बहुत सारे बच्चों का, वो डिजिटल सिग्नेचर तो समझ गए लेकिन अब ये 2008 अमेंडमेंट में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का एक नया चीज डाल दी उसने, तो दोनों में फर्क क्या है? तो इसी बात को मैं आपको यहां समझाने लगा हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अ वाइडर कंसेप्ट देन डिजिटल सिग्नेचर। एवरी डिजिटल सिग्नेचर इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, बट एवरी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज नॉट डिजिटल सिग्नेचर। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। एवरी डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज नॉट डिजिटल सिग्नेचर। यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अ वाइडर कंसेप्ट देन डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर इज अ सबसेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अमेंडमेंट एक्ट 2008 इन ऑर्डर टू मेंटेन कंटिन्यूटी विद द रिजीम ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर, यानी जो डिजिटल सिग्नेचर का रिजीम है, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको कंटिन्यू किया है, उसको फर्दर किया हैज इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बाई इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक सिग्नेचर्स, यानी आप बायोमेट्रिक सिग्नेचर्स भी, यानी आप मान लीजिए कोई मशीन है उसका कोड है, जैसे आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो वहाँ बायोमेट्रिक ली जाती है, आप राशन कार्ड लेते हैं तो वहाँ बायोमेट्रिक से आपको मिलता है। बहुत सारी सिस्टम में बायोमेट्रिक्स इन्वॉल्व कर दिए गए हैं, पासवर्ड्स, पिन्स, इंक्रिप्शन, एप्लीकेशन एटसेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहाँ पे उसका
ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, जहाँ पे कोई पिन रिक्वायर्ड होगा, जहाँ पे कोई इंक्रिप्शन रिक्वायर्ड होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें और इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। इन सब को मिला के हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहते हैं। और डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट ये है कि आप एक सिस्टम को सब्सक्राइब करते हैं, आपको एक सिस्टम दिया जाता है, आपके डिजिटल सिग्नेचर को एक जगह ऑथेंटिकेट किया जाता है और फिर बाद में आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद उस सिस्टम को हासिल करने के बाद आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अ वाइडर कंसेप्ट देन डिजिटल सिग्नेचर। तो जैसे मैंने क्लास में पहले शुरू में बताया कि डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक कंसेप्ट है भी और नहीं भी। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक पूरी बुक है और डिजिटल सिग्नेचर उसका एक चैप्टर है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप जरूर फीडबैक करके बताना, और दोस्तों ये भी बताना कि आपको फ्यूचर में जो टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो वो भी बताना। आईटी एक्ट के ऊपर अगर आप डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना चाहते हैं तो एक्चुअली आपको मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9818050252। मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, 9818050252। आपको अगर आईटी एक्ट पर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत ब्रीफ में बहुत ही छोटे तरीके से आपको बताया है, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आप कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।